हेलो एवरीवन, ट्विन प्रेगनेंसी में सिंगल प्रेगनेंसी की तुलना में जो कैलोरी की डिमांड होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ट्विन्स बेबी की ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट में हेल्प के लिए एक्स्ट्रा कैलोरी की जरूरत पड़ती है। और आपको ट्विन प्रेगनेंसी में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी लेनी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका ट्विन प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले वजन कितना था एंड आपका जो एक्टिविटी लेवल था वो किस तरह का था, मतलब आप कम एक्टिव रहते थे या ज्यादा एक्टिव रहते थे। तो इस आधार पर सभी महिलाओं के लिए जो कैलोरी की डिमांड होती है वो अलग अलग हो सकती है। और आपको ट्विन प्रेगनेंसी में कितनी कैलोरी लेने की जरूरत है इस बारे में आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस जरूर लेनी है। और ट्विन प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में कैलोरी की डिमांड तभी पूरी होती है जब आप जरूरी सभी पोषक तत्वों का सेवन करते हैं, जैसे कि फॉलिक एसिड है, प्रोटीन है, आयरन है, कैल्शियम है। आपको इसके लिए ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पूरे दिन में फलों का भी सेवन करना है, ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन करना है एंड आपको दालों का भी सेवन करना है, आपको हरी सब्जियों का भी सेवन करना है एंड आपको जो मिल्क से बने प्रोडक्ट होते हैं एंड आपको पानी का भी सेवन, और साथ ही में आपको तरल पदार्थों का सेवन भी बहुत अच्छी मात्रा में करना है। एंड इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको जो भी डॉक्टर सप्लीमेंट्स देते हैं, जैसे कि आयरन की टेबलेट है, कैल्शियम की टेबलेट है, जिंक की टेबलेट है, फॉलिक एसिड की टेबलेट है, इनका भी आपको प्रॉपर सेवन करना है, क्योंकि बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपकी डाइट लेने से पूरे नहीं होते हैं, तो उनके लिए आपको एक्स्ट्रा जो है सप्लीमेंट्स लेने ही पड़ते हैं। अब मैं आपको तरल पदार्थों के नाम भी बता रही हूं, जैसे कि आपको एक नारियल पानी सुबह खाली पेट डेली लेना है शुरुआत से लेकर एंड तक। मौसमी का जूस है, संतरे का जूस है, चुकंदर का जूस है, गाजर का जूस है, टमाटर का जूस है, सेब का जूस है एंड अंगूर का जूस है, कीवी का जूस है, मतलब आपको जो भी पसंद है आप इनमें से डेली बदल बदल कर बिल्कुल पी सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में आपको जो है दूध का एंड आपको पनीर का एंड आपको टोफू का, टोफू जो होता है वो सोयाबीन से बना हुआ होता है, बिल्कुल पनीर की तरह लगता है, एंड आपको जो है मट्ठा का बहुत ही अच्छी मात्रा में सेवन करना है। और आपको दूध जो है वो डेली लेना है, इससे आपकी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी रहती है वो पूरी हो जाएगी। और फ्रूट्स में आपको जो है पपीता एंड अनानास का सेवन बिल्कुल नहीं करना है पूरी प्रेगनेंसी। इसके अलावा आप सारे फ्रूट्स बदल बदल कर खा सकते हो, जैसे कि आप मैंगो भी खा सकते हो, आप तरबूज है, खरबूजा है, अमरूद है एंड अंगूर है, जितने भी सीजनल फ्रूट्स आते हैं आप उनको जरूर लीजिएगा, प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फायदा करते हैं। अब हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स की, तो आपको शुरुआत में जो है जो गर्म ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको आपको अवॉइड करना है, जैसे कि बादाम है, काजू है एंड इसके अलावा भी। और आपको जो है गरी का, मखाने का एंड छुआरे का एंड किसमिस का आप बहुत ही आराम से सेवन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपको दो अंजीर जो है वो डेली लेनी है, ये बहुत ही ज्यादा फायदा करते हैं। एंड जैसे ही आपका सेकंड ट्राइमेस्टर लगता है तो फिर आप बादाम और काजू का भी सेवन शुरू कर दीजिए। एंड ड्राई फ्रूट्स में जो भी भिगोने वाले आइटम होते हैं आपको उनको भिगो कर ही लेना है। एंड अब हम बात करते हैं कुछ अनाज की, जैसे कि आप दलिया है, ओट्स है एंड छोले हैं, राजमा है, जैसे पोहा है, आप इन चीजों का भी सेवन जरूर करें। एंड इसके साथ ही आप सूजी का और बेसन का चीला बनाकर जरूर खाएं, ये आपको बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। और ये मैं जो आपको जितने भी चीजें बता रही हूँ आप हर दिन डेली जो है बदल बदल कर अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। एंड इसके साथ ही आपको सब्जियों में सोयाबीन जरूर ऐड करिएगा, बहुत ही फायदा करता है। एंड इसके साथ ही आपको अपनी डाइट में डेली 2 चम्मच घी जरूर ऐड करना है। सलाद तो बेहद इंपॉर्टेंट है लेना, जिसमें आप गाजर है, खीरा है, चुकंदर है, मूली है, टमाटर है एंड इस सैलेड का आपको डेली सेवन बहुत ही अच्छी मात्रा में करना है। और आपको सैलेड में नींबू जरूर डालिएगा, इससे आपकी बॉडी में विटामिन सी की भी कमी पूरी होती रहेगी। खट्टे फलों का सेवन जरूर करना है, खट्टे फलों से आपकी बॉडी में विटामिन सी बहुत ही अच्छी मात्रा में पहुंचता है, और जिसमें आप मौसमी है, संतरा है एंड अंगूर है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप रेड मीट एंड चिकन और अंडे का भी सेवन बिल्कुल कर सकती हैं, बट एक बात याद रखें कि आप जब भी अंडा खाएं तो बिल्कुल पका हुआ होना चाहिए एंड जो भी आप मीट लेती हैं वो भी एकदम से पका हुआ होना चाहिए, कच्चा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें।